नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 17 जून सैटरडे यानी शनिवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा जन्मदिन, लेकिन अपनी खुशियों का, अपनी सुरक्षा का खास करके ध्यान रखना है। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और साथ के साथ इस उपाय को जरूर कीजिए जो हम खास करके आपके लिए लेकर के आते हैं। आज आपने सबसे पहले तो बड़ों का आशीर्वाद तो हम हमेशा ही बताते हैं, वो तो आपने करना ही करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपके साथ चलती है हमेशा। ज़रूरतमंद लोगों को, नीडी लोगों को आपने 2.5 किलो काली दाल, और काली दाल 2.5 किलो से कम नहीं लीजिएगा, और हो सके तो किसी लोहे के बर्तन में भर करके आप उस दान को दे सकते हैं, और साथ में कुछ सिक्के ज़रूर रखिएगा। ये आपने करना ही करना है। इसके अलावा आप सामग्री, खाने की मिठाइयाँ, जो भी चीज़ें आप देना चाहते हैं, वो दैट इज़ योर वे, आपकी इच्छा, आपका खुद का एक होता है कि मुझे ये चीज़ें देनी है, ये करना है, वो करना चाहिए, वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मिनिमम जो एक दान होता है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो जो बेसिक है वो तो हमने आपको बता दिया, इसके अलावा आप जो भी चीज़ें किसी की सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब आती है बात आपके ट्रांजिट गोचर की, बात राशियों की, बात लकी अक्षर की, बात तो सारी चीज़ें आज के इस कॉम्बिनेशन में इसमें होंगी, लेकिन आपने आज जो खास करके एक उपाय और करना है, क्योंकि आज जो अमावस्या है, क्योंकि 2 दिन की अमावस्या पड़ रही है, और आज की अमावस्या इसीलिए देर से, क्योंकि सूर्य उदय पे अमावस्या नहीं थी, तो पितरों की अमावस्या इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 17 को भी आप अमावस्या की तिथि मनाइएगा, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट अमावस्या होती है। तो पितरों के दान की जो अमावस्या, जो इस समय आज दान कर सकते हैं, इस डे को आप खास करके एक बेटर डे बना सकते हैं, एक अच्छा, एक पॉजिटिव एनर्जी का दिन बना सकते हैं, तो 17 तारीख यानी आज के दिन आपने पितरों के लिए कुछ दान ज़रूर करना है। और जो कल की अमावस्या रहेगी, क्योंकि कल भी तो आषाढ़ी अमावस्या ही है, लेकिन सुबह सुबह जो स्नान किया जाता है, जो पूजा भक्ति की जाती है, वो सुबह सुबह कहते हैं पवित्र नदियों के स्नान करने के लिए जाते हैं, सरोवरों के स्नान करने जाते हैं अमावस्या तिथि पर, तो आषाढ़ अमावस्या का स्नान आपने ज़रूर लेना है। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं कई बार चूक जाते हैं कि आज नहीं नहाएंगे, दोपहर को नहाएंगे, लेकिन सारे नहाइएगा, सब लोग स्नान ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट आप गंगा जल का छिड़काव तो कर ही लीजिए, मुँह हाथ पैर तो धो लीजिए कम से कम, तो कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी होगा सूर्य उदय के आसपास लगभग 40 मिनट तक भी आप स्नान कर सकते हो, और घर में जो भी पवित्र नदियों का आपके पास जल पड़ा है उसे डाल करके स्नान कीजिएगा। एक और इवेंट हो रहा है, शनि वक्री। अब ये शनि वक्री जो हो रही है ना, ये चारों तरफ से ना एक डर का माहौल बन गया ऐसे लग रहा है, पर डरना नहीं है, शनिदेव डराते ही नहीं है किसी को, डराते पता है किनको है, जो कर्म बहुत खराब करते हैं, भले ही मुंह से अच्छा बोलेंगे लेकिन नीयत बहुत खराब होती है, तो ऐसे लोगों को तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, फिर छटनी कैसे करेंगे, फिर लोगों को डरा करके उनको सही दिशा की तरफ कैसे लेकर के जाएंगे। वो उन लोगों को डराते हैं जो दिल के खराब होते हैं, जो बुरी नीयत रखते हैं, और ऐसे लोगों को तो डराना बनता ही है, तो उनको शनिदेव डरा रहे हैं। हर किसी को शनिदेव थोड़ी ना डराते हैं, सही रहिए, सरल रहिए, आसान तरीके से रहिए, तो नहीं डराएंगे शनिदेव। हाँ, शनिदेव की हर एक वीडियो, एक एक करके इंडिविजुअल राशियों की वीडियो, कि शनिदेव जो इतने लंबे समय के लिए रेट्रो रहेंगे, तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना, कौन सी चीज़ें थोड़ी सी घेरे में आ सकती है, ताकि उन राशियों को सहयोग मिल सके कुछ उपाय करके, क्योंकि ज्योतिष डरने का विषय नहीं है, न डराने का विषय है, ज्योतिष आपको सुरक्षित रखने का विषय है। यहाँ आपकी सुरक्षा होती है और यहाँ आपके लिए सॉल्यूशंस होते हैं, सो डरना नहीं है। आपने कुछ उपाय हैं, मेरी सारी वीडियोस चैनल पर ही हैं, हर राशि के हिसाब से डालते जा रहे हैं वीडियो, आप हर राशि की इंडिविजुअल शनि वक्री और ख़ास करके मेष राशि पे, वृष राशि, मिथुन पे, कर्क पे, सारी राशियों पे किस तरीके का इम्पैक्ट रहेगा, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा।
अब बात करते हैं ट्रांजिट यानी गोचर की राशियों का हाल होगा, लेकिन साथ ही साथ होगा लकी एक्शन। इंतजार थोड़ा सा कीजिए, पहले गोचर की बात करते हैं। सूर्य मिथुन राशि में 2 डिग्री के हैं, चंद्रमा वृष राशि में है, 21 डिग्री के रहेंगे, बुध के साथ हैं, मंगल कर्क राशि में नीच के चल रहे हैं, 22 डिग्री के हैं, शुक्र के साथ हैं, बुध यानी मरकरी। वृष राशि में 16 डिग्री के हैं, चंद्रमा के साथ हैं, गुरु 13 डिग्री के हैं, मेष राशि में राहु के साथ हैं, शुक्र कर्क राशि में 16 डिग्री के हैं, नीच के मंगल के साथ हैं, शनि कुंभ राशि में 13 डिग्री के हैं, राहु मेष राशि में 9 डिग्री के हैं, जुपिटर यानी गुरु के साथ चल रहे हैं, और केतु तुला राशि में रेट्रो हैं, 9 डिग्री के हैं। क्योंकि गुरु और राहु की युति भी चंडाल योग बनाती है, लेकिन ऊपर से शनि रेट्रो होकर के देखेंगे तो सोचिए कैसी उथल पुथल मचा देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे राहु के साथ है गुरु। और सबसे बड़ी बात है ये, आपने थोड़ा सा कि गुरु एटलीस्ट इस समय रेट्रो नहीं है, ये थोड़ा सा सहयोग मिला और गुरु यहाँ बैठते हैं वहाँ फ़ायदा भी दे देते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी एक अलग कॉम्बिनेशंस के साथ हैं, तो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि एक एस्पेक्ट नहीं देख सकते कि हम सिर्फ शनि वक्रीय हुए हैं, बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपसे एक शिकायत है, आप जितने लोग मेरा ये राशिफल देखते हैं एटलीस्ट इतने लोग और लोगों को भी शेयर करके और इतने डबल हो सकते हैं ना, तो बाकी लोगों को भी आप एटलीस्ट 1 मिनट लगता है सिर्फ कि आप इसे लिंक को आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकें। सो इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी, और अच्छा लगेगा कि अगर आप शेयर करें, तो प्लीज़ काइंडली डू दैट। अब बात करेंगे राशियों की, लकी अक्षर का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि, मेष राशि पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है शनि का रेट्रो, क्योंकि इस पे दृष्टि होगी उनकी। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके वक्रीय होकर के मेष राशि जहाँ ये डेबिलिटेटेड होते हैं, यहाँ पे नीच के होते हैं, उनको दृष्टि देंगे। तो आपको थोड़ा सा अपना राशिफल ज़रूर देखना है, और राशिफल नहीं मतलब वो देखना है जो हमने शनि के लिए वीडियो डाली हुई, शनि का किस तरीके का प्रभाव मेष राशि पर रहेगा। किसी को बेवकूफ़ ना बनाइएगा, यानी कहीं ये बार होता है कि हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद भी बन जाते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन के बारे में सोचिए, अपने मनी संभालने के बारे में सोचिए, सपने लीजिए और सपने आपके पूरे भी होंगे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, महफिल पार्टी में जा रहे हैं तो थोड़ी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, लेकिन शान आप रहेंगे महफिल की। नौकरी में सफलता के युग हैं, अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपके लिए समय ठीक चल रहा है, लेकिन शनि रेट्रो होकर के देख रहे हैं तो थोड़ी अड़चने भी पैदा करेंगे, यानी चीज़ें भी देंगे लेकिन अड़चने भी पैदा करेंगे। तो थोड़ा सा आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें खास उपाय हैं, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। इनकम में भी वृद्धि के योग हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, बाहरी संबंधों के माध्यम से कुछ इनकम का लाभ, आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। कार्य में भी परिवर्तन की पूरी पूरी संभावना है। नया मकान खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन बड़ों की सलाह लेकर के। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, मानसिक तनाव आपका खत्म होगा, नया कार्य शुरू करने के संकेत अच्छे मिल रहे हैं, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। लियो यानी सिंह की बात करते हैं, मित्रों के सहयोग से समस्याओं से बाहर निकलेंगे आप, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, ज़रूरी काम आज ही पूरे कर लें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात करते हैं, सरकारी महकमे से सरकारी विभाग से आपको कुछ खास फायदा मिल सकता है। यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा पर आप जा सकते हैं। पारिवारिक सहयोग से रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी। आसमानी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। लिब्रा यानी तुला की बात करते हैं, अनजान व्यक्तियों से ज़रा सावधान रहिएगा। व्यापार इनकम की तरफ, व्यापार की तरफ, अपने काम की तरफ खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी के भरोसे ना रहें, अगर कोई ज़रूरी काम है तो आज के दिन स्वयं करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए केसरिया। केसरिया रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी
स्कॉर्पियो की बात करते हैं, नए कार्य को करने जा रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें शुभता भी मिलेगी और उसमें तरक्की भी मिल सकती है। मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, जीवन साथी के साथ मेलजोल बढ़ेगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस, परिवार के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। सगे संबंधियों से भी आपको कुछ खास लाभ मिल सकता है। अगर आप संतान का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, खुशी की खबर मिल सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, हर कार्य को बहुत ही गंभीरता से कीजिएगा। पिताजी के साथ खास करके मन मुटाव जैसी स्थिति बन सकती है तो बोलने से पहले ज़रा ध्यान रखिएगा। यात्रा के खास योग हैं, अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए केसरिया। केसरिया रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, अननेसेसरी की उलझनें आज के दिन आपको सता सकती हैं। जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास कीजिएगा, इनकम के कुछ नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन, स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिए। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है आपको, वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। ये तो था राशियों का हाल, अब बात करेंगे लकी अक्षर की, कल का लकी अक्षर। कल है 18 जून, रविवार यानी संडे का दिन है और लकी अक्षर है आपका र। र अक्षर का प्रयोग आपने कल के दिन करना है। गुड़ लेना है, गुड़ में थोड़ा सा पानी मिलाना है और उससे आपने अक्षर लिखना है कागज़ के ऊपर, और ये कागज़ पूरा दिन अपने साथ रखिएगा, आपके सारे काम बनेंगे, आपकी सारी अड़चनें जो हैं वो दूर होंगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन जब आप इस कागज़ का पूरा इस्तेमाल कर लें तो अगली सुबह से किसी पेड़ पौधे की जड़ में भी रख दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। हर दिन सुबह 6 बजे हम राशिफल के साथ हाजिर होते हैं, कल सुबह फिर से आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।